चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईएमएफ इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, किसके साथ ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। तो सबसे पहले ईएमएफ को समझने के लिए हम एक सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। एक और सर्किट बनाते हैं, सेम, ये सेल का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं तो क्या कहते हैं, एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज क्या यूज किया जाता है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और बताया जाता है कि पॉजिटिव यूनिट चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, निगेटिव टर्मिनल तक ले जाने में, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक ले जाने में बैटरी या सेल जितना वर्क करती है, जितना वर्क करती है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक ले जाने में बैटरी या सेल जितना वर्क करती है, वर्क की उस क्वांटिटी को आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है, ये डिफाइन किया जाता है। सिमिलरली जब ईएमएफ की बात होती है, ये तो हो गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। दूसरा है ईएमएफ, ईएमएफ में क्या किया जाता है, ध्यान से सुनना, ईएमएफ में का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये फोर्स नहीं होता, भले इसके नाम में फोर्स लगा हुआ है लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये एनर्जी है। फिर से पॉजिटिव यूनिट चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से पूरे सर्किट में घुमा के फिर से पॉजिटिव टर्मिनल तक लाने में जितना वर्क किया जाता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से पूरे सर्किट में घुमा के फिर से पॉजिटिव टर्मिनल तक लाने में ये जो बैटरी है या ये सेल है जितना वर्क करती है, वर्क की इस क्वांटिटी को आप ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। तो ईएमएफ किससे क्लोजली रिलेटेड है, आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसी से क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।